साथियों, आज की क्लास में हम समझेंगे प्रवादों ब्रिज कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 6 एवं 7 के अंतर्गत आकलन 7 जो पेज नंबर 65 पर है। आइए शुरू करते हैं। आकलन 7 सवाल नंबर 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। कहें 332 गुणा 4, तो यहाँ 300 को गुणा 4 प्लस 30 गुणा 4 प्लस 2 गुणा 4, इसका स्थानीय मान सभी का लिख करके सभी को 4 से गुणा कर रखा है। तो यहाँ देखिए 4 3 12 कितना होगा 1200 प्लस 30 गुणा 4, 4 3 12 120 प्लस 4 2 8। अब यहाँ हम इन सभी को जोड़ लेंगे 1200 यानी 1200 120 और 8। 1200 में 100 जोड़ेंगे 1300, 20 और 8 28, 1328। इस प्रकार से गुणा ये वाला करना है 275 गुणा 5, तो यहाँ 200 का गुणा 5 से करेंगे प्लस 70 का गुणा 5 से करेंगे प्लस 5 का गुणा 5 से करेंगे, 5 2 10 दो जीरो लगा देंगे 1000 प्लस 7 5 35 350 प्लस 5 5 25 यानी 25। अब इन तीनों को जोड़ लेंगे तो ये प्राप्त होगा 1375। चलिए आगे सवाल नंबर 2। एक बगीचे में पेड़ों की 24 पंक्तियां हैं, यदि प्रत्येक पंक्ति में 8-8 पेड़ हों तो बताएं बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं। तो यहाँ 24 का गुणा 8 से कर लेंगे, 24 गुणा 8, 8 4 32, 32 का 2 आंसिल लगा 3, 8 2 16, 16 और 3 19, कितना हो गया 192 पेड़। अगला है सवाल नंबर 3, भाग करें। हमें भाग हल करना है। 2 का भाग 382 में देना है, 2 का 3 में देंगे 2 1 2, 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा, ऊपर से 8 उतारेंगे 18, 2 9 18, 18 में से 18 घटाएंगे तो बचेगा 0, ऊपर से 2 उतारेंगे, 2 का भाग 2 में देंगे 2 1 2, 2 में से 2 घटाएंगे 0, भागफल 191, शेषफल 0। अगला है ख, 5 का भाग 685 में देना है, 5 का 6 में देंगे 5 1 5, 6 में से 5 घटाएंगे 1, ऊपर से उतारेंगे 8, 18, 5 का भाग 18 में देंगे 5 3 15, 18 में से 15 घटाएंगे 3 बचेगा, ऊपर से उतारेंगे 5, 35, 5 का भाग 35 में 5 7 35, 35 में से 35 घटाएंगे 0, भाग पर 137, शेषफल 0। गए 6 का भाग 690 में, 6 का भाग 6 में देंगे 6 1 6, 6 में 6 घटाएंगे 0, ऊपर से उतारेंगे 9, 6 का भाग 9 में देंगे 6 1 6, 9 में 6 घटाएंगे 3, ऊपर से उतारेंगे 0, 30, 6 का भाग 30 में 6 5 30, 30 में 30 घटाएंगे 0, भागफल 115, शेषफल 0। चलिए आगे अगला सवाल, सवाल नंबर 4 हल करें। हमें ये भाग हल करना है। यहाँ पे देखिए जगह कम है तो हम यहाँ केवल भागफल और शेषफल लिखेंगे। हल आप अलग से अलग पेज पे आप कर सकते हैं। तो आप 18 का भाग इसमें दीजिए, पहला वाला 18 का भाग हमें देना है 95,742 में। तो यहाँ पे भागफल आएगा 5,319, शेषफल प्राप्त होगा 0। ख है 39,380 में भाग देना है 45 का, या हम 45 का भाग देंगे तो भागफल आएगा 875 और शेषफल आएगा 5। अगला है ग, 33,115 में भाग देना है 27 का, भाग देंगे तो भागफल में प्राप्त होगा 1,226 और शेषफल आएगा 13। आगे समझ में, ये था सवाल नंबर 4। अगला सवाल है सवाल नंबर 5, दी गई आकृतियों के छायांकित भाग का भिन्न लिखें। क है 4 में से 1 छायांकित तो भिन्न बनेगी 1/4। ख है 4 में से 3 छायांकित भिन्न बनेगी 3/4। ग है
एक दो तीन चार पाँच छः, छः में से तीन छाएंगी भिन्न बनेगी तीन बटा छः, इसे हम एक बटा दो भी लिख सकते हैं। अगला है सवाल नंबर छः, दिए गए भिन्न के दो दो समतुल्य भिन्न लिखें। अब हमें यहाँ इनके समतुल्य भिन्न लिखना है, यानी बराबर भिन्न लिखना है। कहें दो बटा तीन बराबर अंश और हर को समान संख्या से गुणा करेंगे, दो दूनी चार, तीन दूनी छः, चार बटा छः, तीन से गुणा करेंगे, दो तिया छः, तीन तिया नौ, छः बटा नौ, यानी दो बटा तीन बराबर चार बटा छः बराबर छः बटा नौ, ये समतुल्य भिन्न है। अगला है ख, चार बटा नौ अंश और हर को समान संख्या से गुणा करेंगे, दो से गुणा करेंगे, चार दूनी आठ, नौ दूनी अट्ठारह, आठ बटा अट्ठारह, तीन से गुणा करेंगे, चार तिया बारह, नौ तिया सत्ताईस, बारह बटा सत्ताईस, यानी चार बटा नौ बराबर आठ बटा अठारह बराबर बारह बटा सत्ताईस। तो ये इस प्रकार से हमने आकलन सात को समझा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए, ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुँच पाएँ। आप अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।